लेक्चर नंबर फाइव चैप्टर नंबर फर्स्ट मैरमेंट खत्म हो गया था लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स है ये अपने पास आप नोट करें वन इंच सेंटीमीटर मीटर थ्री पॉइंट फीट वन यार्ड आपके पास हो दिस इज इक्वल टू थ्री फीट विच इज़ इक्वल टू मीटर लाइट एयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ डिस्टेंस

मास का यूनिट है और वन आपके पास किलोग्राम के बराबर है। वन एटॉमिक मास यूनिट पॉइंट फोर फाइव थ्री सिक्स किलोग्राम पॉइंट फोर फाइव थ्री सिक्स किलोग्राम वन न्यूटन वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्र वन डाइन वन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, वन न्यूटन टेन एस टू पावर फाइव डाइन वन फोर्स, ठीक है पर पाउंड मास है या न्यूटन के बराबर है तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है ठीक है अब अगर मैं एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स लिख लो एनर्जी एनर्जी वन जाल वन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है और वन अर्ग ई आर जी वन अर्ग वन अर्ग किस चीज के बराबर होगा दिस इज इक्वल टू वन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और मैं लिख सकता हूं कि वन जॉल आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू टेन टू पावर सेवन अर्ग वन जॉल इज इक्वल टू टेन टू द पावर सेवन एक्स वन इलेक्ट्रॉन वोल्ड वन पॉइंट 10 मल्टीप्लाटन टू पावर माइनस नाइनटीन जाल ठीक है और अगर मैं लू 1 कैलोरी 1 कैलोरी आपके पास है दिस इज इक्वल टू 4.2 पॉइंट जाल कैलोरी इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी ये भी आपके पास जो है एनर्जी का यूनिट ठीक है ये है, याद रखिए अच्छा यहां पर मैं लिख सकता हूं वन बी टी यू ब्रिटिश थर्मल यूनिट दिस इज इक्वल टू टू फिफ्टी टू कैलोरीज या ये आपके पास वन थाउजेंड ये टू फिफ्टी टू को फोर पॉइंट टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे ख्याल में एक हजार अट्ठावन जावल आ जाता है 4.2 को आप 252 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है वन बी ओ टी यू बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ठीक है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को वन किलोवाट आर बी हम कह सकते हैं वन किलोवाट आर बी हम इसको कह सकते हैं और वन किलोवाट आर आपके पास जो है यह किस चीज के बराबर है थ्री पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई पार्स जाओ ठीक है तो वन बी ओ टी यू बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट आपके पास ब्रिटिश थर्मल यूनिट है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में टू फिफ्टी टू कैलोरीज के बराबर है ठीक है तो दीज आर सम इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ एनर्जी ये आपके पास एनर्जी के कुछ इंपोर्टेंट यूनिट्स है ठीक है तो इसको आप लोगों ने याद करना होगा इसके कोई दूसरा सोल्यूशन है नहीं आपके पास ठीक है तो इसको आपने याद करना होगा बाकी आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो खत्म हो गया ठीक है अभी मैं सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करूंगा ठीक है विच इज अबाउट द वेक्टर चैप्टर नंबर टू विच इज अबाउट द वेक्टर्स देखिए, हमारे पास दो किस्म के फिजिकल क्वांटिटीज है स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर्स आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड काफी होता है डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती उनको हम स्केलर्स कहते हैं मास लेंथ टाइम डिस्टेंस एटसेट्रा ठीक है ये आपके पास स्केलर्स है याद रखे अगर हम स्केलर्स को डील कर रहे हैं तो आम मैथमेटिकल रूल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह हम आम नंबर्स को ऐड करते हैं इसी तरह आप टाइम्स को भी ऐड करें मास को भी ऐड कर सकते हैं जिस तरह हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो स्केलर्स को भी आप उसी तरह ही सब्ट्रैक्ट ऐड मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं ठीक है और वेक्टर्स आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी हो उसको हम वेक्टर कहते हैं ठीक है मास आप अगर मैं कह दूं कि द मास ऑफ अ बॉडी इज किलोग्राम बस काफी है इसको समझने के लिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर आप दुकान में जाए और दुकानदार को आप कह दें कि मुझे एक किलोग्राम शुगर दे तो दुकानदार समझ जाते वो आपको एक किलोग्राम शुगर देगा स्केलर है डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कभी आपने इस तरह नहीं कहा होगा कि मुझे वन किलोग्राम शुगर दे आसमान की तरफ या मशर की तरफ या मगरिब की तरफ ठीक है अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टाइम तो आप कहते हैं वन ओ क्लाक काफी है इसको समझने के कभी आपने ये नहीं कहा होगा कि वन ओ क्लॉक आसमान की तरफ और टू ओ क्लॉक हमारे घर की तरफ और इस तरफ? No. So, की स्पेसिफिकेशन के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं होता लेकिन वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना जरूरी होता है ठीक है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना जरूरी होता है वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए ठीक है तो वेक्टर इस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन ठीक है अच्छा अब देखिए वेक्टर के दो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ठीक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप एक लाइन को ड्रॉ करते हैं विद एरोड आप एक लाइन को ड्रॉ करते हैं विद एरो हेड ठीक है तो आपके पास जो लेंथ है लेंथ लेंथ आपको किस चीज को रिप्रेजेंट करता है लेंथ आपको मैग्नीच्यूड ऑफ वेक्टर मैग्नीच्यूड ऑफ वेक्टर और जो हेड आपके पास जो है यह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो ग्राफिकली आप वेक्टर को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं सिंबॉलिकली अगर मैं लिख लू ए वेक्टर ये आपके पास ए वेक्टर ये आप बोल्ड फेस लेटर में लिख लें ठीक है बोल्ड फेस लेटर में लिख लें या इस तरह आप लिख लें ये आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ठीक है वेक्टर में अच्छा अब आपके पास वेक्टर अलजबरा रूल्स वेक्टर अल्जबरा रूल्स है आपके पास अगर मैं दो वेक्टर्स को एड करूं रिजल्टेंट आपके पास वेक्टर आना चाहिए फर्स्ट सेकंड, वेक्टर प्लस वेक्टर मस्ट बी अ वेक्टर, ठीक है वेक्टर प्लस स्केलर याद रखे ये हमेशा वेक्टर प्लस स्केलर ही होगा इसका मतलब है कि वेक्टर और स्केलर आप ऐड नहीं कर सकते वेक्टर और स्केलर आप ऐड नहीं कर सकते ठीक है अगर आप वेक्टर को ले ठीक है और उसको आप एक दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपको या तो स्केलर देगा या आपको क्या देगा वेक्टर देगा वेक्टर प्रोडक्ट ठीक है और स्केलर प्रोडक्ट आपके पास जो है आ, आंसर आएगा अगर आप एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें रिजल्टेंट मस्ट बी वेक्टर और इसके साथ एग्जाम्पल है

याद रखें वेक्टर डिवीजन आपके पास दिस इज नॉट पॉसिबल वेक्टर डिवीजन आपके पास पॉसिबल नहीं है ठीक है यह बात आप लोग याद रखें तो इसका मतलब है कि वेक्टर्स को आप वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं स्केलर और वेक्टर को आप ऐड नहीं कर सकते अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको स्केलर भी दे, दे सकता है या वेक्टर भी दे सकता है अगर आप स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा वेक्टर होगा अगर आप एक स्केलर नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें रिजल्टेंट आपके पास वेक्टर होगा ठीक है वेक्टर डिवीजन आपके पास है दिस इज नॉट पॉसिबल ठीक है तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अच्छा कर्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, एक्स वाई दिस इज जेड ठीक है थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपके पास ये थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये भी 90, ये भी आपके पास 90, ये भी आपके पास 90, ठीक है एंड दे ओवरलीप एट हैं इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इंटू प्लेन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इसको हम प्लेन में टू में भी डिवाइड कर सकते हैं ठीक है ठीके? और याद रखे अगर मैं एक्स वाई टू जो है डायमेंशन सिस्टम लू और मैं एक वेक्टर को अगर बना रहा हूं ठीक है तो ये आपके पास ए वेक्टर, दिस इज तीठा ठीक है ये तीठा आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बताता है ठीक है और ऑरिजन से हम इसको ड्रॉ करते हैं सो कॉटीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास तीटा जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बताता है ठीक है अच्छा अब आपके पास है कुछ इंपोर्टेंट सम इंपोर्टेंट वैक्टर्स कुछ इंपोर्टेंट वैक्टर्स नंबर फर्स्ट पैरेलल वैक्टर्स पैरेलल वैक्टर्स वो वैक्टर्स जिनका डायरेक्शन आपके पास सेम हो दिस इज ए वैक्टर ये आपके पास बी वैक्टर है ठीक है दिस इज ए वैक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर ठीक है तो आप अगर देखें अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन आपके पास सेम हो तो तीटा आप देख सकते हैं आपके पास जीरो डिग्री होगा डायरेक्शन इज इस सेम इसका मतलब यह है कि द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज जीरो याद रखिए पैरेलल वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड और स्टार्टिंग पोजीशन को नहीं देखते हम सिर्फ सेम डायरेक्शन को देखते मैग्नीट्यूड अगर सेम हो या सेम ना हो स्टार्टिंग पोजीशन अगर सेम हो या ना हो बट इफ द ओनली डायरेक्शन इज सेम तो फिर इसको हम पैरल वैक्टर्स कहते हैं एंटी पैरल वैक्टर्स ठीक है एंटी पैरल वैक्टर्स और एंटी पैरल वैक्टर आपके पास जो है अगर मैं ये लू सी ठीक है और मैं ये लू दिस इज डी अगर आप तीटा को देखें ये आपके पास 180 डिग्री होगा डायरेक्शन इज अपोजिट तो दो वेक्टर्स जिसकी डायरेक्शन अपोजिट हो मैग्नीच्यूड अगर सेम हो या ना हो स्टार्टिंग पोजीशन अगर सेम हो या ना हो बट इफ द टू वैक्टर्स आर हैव अपोजिट डायरेक्शन मतलब इेक्टिव ऑफ मैग्नीच्यूड एंड स्टार्टिंग पोजीशन, तो वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं इक्वल वैक्टर्स इक्वल वैक्टर्स सेम मैग्नीच्यूड एंड सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन ठीक है तो फिर हम वैक्टर्स को कहते हैं इक्वल वैक्टर यह आपके पास ए ये आपके पास बी वैक्टर्स ठीक है आप देखिए लेंथ भी सेम है डायरेक्शन भी सेम है ठीक है तो मैं लिख सकता हूं एज इक्वल टू बी प्लस साइन और प्लस साइन ठीक है अगर मैं इसके ऊपर चले लिख लेता हूं ए वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर ये प्लस प्लस ठीक है मैं इस तरह भी लिख सकता हूं माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी तो देखिए साइन भी सेम है और इक्विलिटी भी है तो सेम साइन का मतलब होता है सेम डायरेक्शन और इक्विलिटी का मतलब आपके पास होता है इक्वल मैग्नीट्यूड सेम साइन सेम साइन इक्वल डायरेक्शन ठीक है और यह आपके पास इक्विलिटी साइन इक्वल मैग्नीच्यूड इक्वल मैग्नीच्यूड आपके पास होगा तो अगर दोनों साइड पे साइन सेम हो और इक्विलिटी साइन भी हो माइनस माइनस इक्विलिटी प्लस प्लस और इक्विलिटी इट मीन द वैक्टर्स आर इक्वल वैक्टर्स मैं इस तरह भी कह सकता हूं टू पैरल वैक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीच्यूड स्टार्टिंग पोजिशन सेम हो या ना अगर मैं यहां पर पिशावर में टेन मीटर ईस्ट चला जाता हूं ठीक है और कोई बंदा कराची में टेन मीटर ईस्ट चला जाता है तो हमारे डिस्प्लेसमेंट वैक्टर इक्वल वैक्टर्स है ठीक है तो सेम मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन द वैक्टर्स आर इक्वल वैक्टर्स फोर आपके पास जो है नेगेटिव वैक्टर्स ठीक है सेम मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन इसको हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं इर ऑफ साइन ये आप देख सकते हैं दिस इज ए और ये आपके पास बी ठीक है अब ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस बी और मैं लिख सकता हूं बी इज इक्वल टू माइनस ए ठीक है आप देखिए एक साइड पे आपके पास प्लस साइन है प्लस साइन दूसरी साइड पे आपके पास नेगेटिव साइन है ठीक है तो मैं इसको लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी और बी आपके पास है दिस इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी और बी आपके पास है दिस इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए तो इसका मतलब यह है कि ए और बी एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं च्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता डायरेक्शन आपके पास नेगेटिव हो सकता है तो मैं कह सकता हूं कि ए इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी और बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए डायरेक्शन आपके पास जो है दिस इज आर्बिट्ररी डायरेक्शन आपके पास जो होते दिस इज आर्बिट्ररी अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कह दें तो वेस्ट डायरेक्शन आपके पास नेगेटिव होगा ठीक है अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव कह दें ठीक है तो आपके पास साउथ डायरेक्शन जो है वो आपके पास जो है नेगेटिव होगा ठीक है तो ये बात आप लोग याद रखें तो नेगेटिव वेक्टर्स जो है सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन तो आप ए इज इक्वल टू माइनस बी लिख सकते हैं या बी को आप माइनस ए लिख सकते हैं ठीक है थीके? ये बात आप लोग याद रखें तो ये आपके पास फोर्थ इंपोर्टेंट वेक्टर आपके पास बन गया अब यहां पर मैं लिख सकता हूं नल आर जीरो वेक्टर, नल आर जीरो वेक्टर ठीक है नल आर जीरो वेक्टर का मतलब यह होता है विच जीरो मैग्नीट्यूड, विच है जीरो मैग्नीट्यूड, एंड आर्बिट्री डायरेक्शन विच छे जीरो मैग्निट्यूड एंड आर्बिट्री डायरेक्शन इसको बेसिकली हम नल या जीरो वेक्टर कहते हैं तो ये आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये आपके पास क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ठीक है और इसका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और अगर आप डॉट से इसको डिनोट करें ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डॉट ठीक है और डॉट ऑरिजिन से लिया गया है तो डॉट आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ठीक है तो आर्बिट्री डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड आपके पास जो होते वो जीरो होता है ठीक है ये बात आप लोग याद रखें अब देखिए यही मैं ले रहा हूं अगर मैं लिख लो इज इक्वल टू माइनस बी तो माइनस बी को आप उस साइड पे शिफ्ट करें तो ए प्लस बी आपके पास ये नल वेक्टर होगा ये नल वेक्टर को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया अगर मैं इस तरह लिख लो प्लस बी इज इक्वल टू जीरो ए प्लस बी इज इक्वल टू स्केलर है तो वेक्टर का सम इज इक्वल टू स्केलर जो कि गलत है तो इसलिए नल वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया द सम ऑफ टू negative vectors आर द नेगेटिव is इज ऑलवेज इक्वल टू null vector। ये देखिए ना मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं द सम ऑफ टू वैक्टर द सम ऑफ टू वैक्टर च आर नेगेटिव वैक्टर्स ऑफ ईच अदर दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू आ नल आर जीरो वैक्टर ऐसे दो वैक्टर्स जो एक दूसरे के नेगेटिव वैक्टर्स हो अगर उसका आप सम ले, ले तो आपको नल वैक्टर देगा या आपको जीरो वैक्टर देगा ठीक है तो ये आपके पास इसका स्टेटमेंट बन जाएगा हाँ अगर मैं इस तरह लिख लो कि मैं इसके मैग्नीट्यूड निकालो द मैग्नीच्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स विच आर द नेगेटिव वैक्टर ऑफ ईच अदर ये आपके पास जीरो होगा याद रखे मैग्नीच्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्केलर मैग्नीच्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्केलर तो अगर मैं मैग्नीच्यूड की बात करूं इसका मतलब होता है दिस इज द मैग्नीच्यूड ऑफ सम of two vectors which are negative vectors of each other okay so it will be zero hoga. will null vector it will zero the magnitude of sum you the magnitude of sum of two vectors a and b which are the negative vectors of each other this is always equal to zero magnitude of sum ठीक है लेकिन अगर मैं ए और बी मैं इस तरह लू कि ए आपके पास है दिस इज इक्वल टू तो माइनस बी तो इसका मतलब यह है कि ए मैग्नीच्यूड भी नॉन जीरो है और बी मैग्नीच्यूड भी नॉन जीरो है लेकिन दोनों ए और बी वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स है अगर मैं इनके मैग्नीच्यूड लेकर इसको सम करू वो आपके पास नॉन जीरो होगा और इसका स्टेटमेंट आपके पास बनता है सम ऑफ मैग्नीच्यूड्स द सम ऑफ मैग्नीच्यूड ऑफ ए एंड बी विच आर नेगेटिव वैक्टर्स ऑफ ईच अदर अगर आप थोड़े से स्टेटमेंट को देखें यह आपके पास मैग्नीच्यूड ऑफ सम है मैग्निच्यूड ऑफ सम और यह आपके पास क्या है ये आपके पास सम ऑफ मैग्नीच्यूड है ये आपके पास क्या है सम ऑफ मैग्नीच्यूड विच इज नॉट इक्वल टू जीरो तो एक बात याद रखिए इन दोनों स्टेटमेंट में अगर आप देखें ये मैग्नीच्यूड ऑफ सम है ये मैग्नीच्यूड ऑफ सम है मतलब सम लेकर फिर आप मैग्नीच्यूड निकालते हैं मैग्नीच्यूड ऑफ सम का मतलब क्या होता है आप सम करके मैग्नीच्यूड निकालते हैं तो वो तो जीरो होता है क्योंकि आपके पास दो वेक्टर्स जो कि नेगेटिव है उसका सम जीरो है तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो लेकिन अगर ए और बी जो कि नेगेटिव वेक्टर्स हैं, अगर इन ए और बी का मैग्नीच्यूड का आप सम मालूम करें तो वो नान जीरो होगा, या ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है? अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिखो यहां पर मैं अगर एक एग्जाम्पल लिखो ठीक है कि आपके पास है लेट सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू टेन मीटर ईस्ट B वेक्टर आपके पास जो है 10 मीटर वेस्ट तो मैं अगर A वेक्टर का मैग्नीच्यूड लो वो 10 मीटर है अगर मैं B वेक्टर का मैग्नीच्यूड लो वो 10 मीटर है ठीक है नॉन जीरो है ना तो अगर मैं इनके मैग्नीच्यूड का सम लो वो 20 मीटर होगा विच बी नॉट इक्वल टू जीरो मैग्नीच्यूड सम मैग्नीच्यूड ये आपके पास सम ऑफ मैग्नीच्यूड है मतलब मैग्नीच्यूड्स का सम आपने ले लिया और अगर मैं इस तरह लिख लो मैं इसको इस तरह लिख लो कि आपके पास a प्लस बी ये आपके पास टेन मीटर ईस्ट ठीक है प्लस टेन मीटर वेस्ट तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी टेन मीटर ईस्ट प्लस टेन मीटर वेस्ट को मैं लिख सकता हूं माइनस ईस्ट ठीक है मैंने वेस्ट को माइनस ईस्ट क्यों लिख लिया अब देखे आपके पास माइनस ईस्ट मीन अपोजिट टू ईस्ट वेस्ट होता है माइनस वेस्ट ये आपके पास ईस्ट होता है माइनस नॉर्थ वो आपके पास साउथ होता है माइनस साउथ वो आपके पास नॉर्थ होता है ठीक है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 मीटर ईस्ट माइनस टेन मीटर ईस्ट ये आपके पास नल वेक्टर आ गया ये आपके पास नल वेक्टर आ गया है क्योंकि ई डायरेक्शन भी इसके साथ ये तो आपके पास ये नल वेक्टर आपको देगा तो इसको बेसिकली हम कहते हैं ठीक है नल वेक्टर। और अगर मैं इसका मैग्नीच्यूड निकाल लू तो ए प्लस बी तो जीरो है और नल वेक्टर का मैग्नीच्यूड भी आपके पास जीरो है तो ये आपके पास मैग्नीचूड ऑफ ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ सम है और वो आपके पास सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स है तो कंक्लूजन ये है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स व्हिच आर द नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर दिस विल बी नॉट इक्वल टू जीरो बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वैक्टर्स ए एंड बी मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू एक्टर्स ए एंड बी दिस इज इक्वल टू जीरो आपके पास जीरो होगा ठीक है ये बात याद रखिए तो ये इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट जो है कंडीशंस uh, है नेगेटिव वेक्टर्स में ठीक है सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों में आपके पास फर्क है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू नेगेटिव वैक्टर्स आर नॉन जीरो बट द मैग्नीच्यूड ऑफ इसका थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है ठीक है तो ये आपके पास फोर्थ अब फिफ्थ में ले रहा हूं यूनिट वेक्टर, वेक्टर विच हैज वन मैग्नीच्यूड एंड हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन ठीक है इसको बेसिकली हम यूनिट वेक्टर कहते हैं वो वेक्टर जिसका वन मैग्नीट्यूड हो और वो आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन बता रहा है उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं इसमें एक इंपोर्टेंट पॉइंट आपके पास यूनिट वेक्टर वैक्टर नो यूनिट इसका कोई यूनिट नहीं होता ठीक है और सिंबॉलिकली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर उसके ऊपर केप बी वेक्टर उसके ऊपर केप ठीक है सी वेक्टर इसके ऊपर केप ये आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये आपके पास क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ए यूनिट वेक्टर, बी यूनिट वैक्टर सी यूनिट वैक्टर ये के बेसिकली यूनिट वैक्टर को रिप्रेजेंट करता है अच्छा अब इसका फॉर्मूला आपके पास भी ये है मैं इस तरह भी लिख सकता हूं यूनिट वैक्टर अगर आप वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो ये आपको यूनिट वेक्टर देगा रेशो ऑफ वैक्टर टू द मैग्नीच्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, ठीक है तो मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं फॉर एग्जांपल ए यूनिट वेक्टर. आप ए वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीच्यूड पे डिवाइड करें ये आपको यूनिट वेक्टर देगा ठीक है और इसका मिसाल मैं आपको देता हूं अगर मैं लू डी ये आपके पास एग्जाम्पल ये आपके पास एग्जाम्पल ए वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट में ले लेता हूं बस डिस्प्लेसमेंट आपके पास टेन मीटर ईस्ट ठीक है अगर मैं यूनिट वेक्टर मालूम करूं टेन मीटर ईस्ट डिवाइड बाई टेन मीटर मैग्नीट्यूड टेन मीटर है तो ये आपके पास कैंसल डी यूनिट वेक्टर आपके पास जो है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है अब यहां पर आप लोग देखें इसका मैग्नीट्यूड आपके पास वन मैग्नीट्यूड वन और ये स्पेसिफिक डायरेक्शन को शो करता है तो देखिए ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड वन और स्पेसिफिक डायरेक्शन तो देखिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है द रेशो ऑफ वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सेम वेक्टर ठीक है ये आपको यूनिट वेक्टर देता है जो कि एग्जांपल आपके सामने है ठीक है तो अब आपको पता है अगर मैं थ्री डी में लुक लो इज इक्वल टू ए एक्स आई plus a y j plus a z k दिस इज द vector इन 3D. I, आपको पता है ये x axis को रिप्रेजेंट करता है j यूनिट vector ये y axis को रिप्रेजेंट करता है k यूनिट vector ये z axis को रिप्रेजेंट करता है a x i plus a y j plus a z k अगर मैं यूनिट vector लो, तो a, x i plus a y j plus एड के ठीक है डिवाइड बाय मैग्नीच्यूड ए मैग्नीच्यूड का फॉर्मूला उम्मीद है आप लोगों को आता होगा ए एक्स स्क्त प्लस ए वाई स्क्स ए जेड स्क्र अंडर द रूट ये आपके पास फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का ठीक है ये आपके पास वेक्टर एंड दिस द दिसग्निच्यूड ऑफ अ वेक्टर ठीक है मैग्नीच्यूड ऑफ वेक्टर मैग्नीच्यूड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला आपके पास ये होता है ये मैग्नीच्यूड या ए ठीक है और इसको मैं लिख सकता हूं अंडर द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर अंडर द रूट द स्क्वेयर रूट ऑफ सम स्क्वेयर रूट ऑफ सम ऑफ ऑफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर द स्क्र रूट ऑफ सम ऑफ़ समर Of component of a vector is equal to the magnitude of a vector, and the ratio of vector to the magnitude of a vector is equal to a unit vector or direction of a vector. Okay, Take a magnitude, or agar main direction of vector, direction of vector, this is equal to vector divided by magnitude, vector divide by

वेक्टर देगा अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं ठीक है अगर एक एमसीक्यू में लिख लो द यूनिट वेक्टर द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर टू आई प्लस जे प्लस के विल बी डेश ठीक है तो ऑप्शन में लिख लेता हूं आई प्लस जे प्लस के बी ऑप्शन टू आई डिवाइड बाई अंडर रूट सिक्स प्लस जे डिवाइड बाई अंडर रूट सिक्स प्लस के यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय अंडर रूट सिक्स सी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज टू आई प्लस जे प्लस के डिवाइड बाय सिक्स और डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज आई जे के तो आप ये बताए आपके पास यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर का क्या होगा तो सबसे पहले तो इसका मैग्निच्यूड मालूम करें सबसे पहले इसका मैग्निच्यूड मालूम करें टू स्क्सर प्लस प्लस अंडर द रूट रूट ये ये आपको अंडर द ऑफ देगा ये आपको क्या देगा अंडर द रूट ऑफ सिक्स देगा तो देखिए आप लोग अंडर द रूट ऑफ सिक्स में है ये आपके पास यूनिट वेक्टर है टू आई यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय सिक्स

प्लस ए वाई स्क्र प्लस ए जेड स्क्वायर में इस ए यूनिट वेक्टर को इस तरह भी लिख सकता हूं एक्स आई डिवाइड बाई मैगनीच मैग्नेट्यूड इसको भी बेसिकली हम यूनिट वेक्टर कहते हैं ठीक है तो आपसे इस किस्म के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट वेक्टर विल बी पैरेलल टू द गिवन वेक्टर तो याद रखिए आपके पास एक वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो उसी वेक्टर के पैरेलल होता है तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं वट विल बी द वैक्टर विच इज पैरल के इसके पैरल वैक्टर कौन सा होगा तो यही आंसर होगा यूनिट ही उसी वैक्टर के पैरल आपके पास होगा तो मैं अगर लिख लो कंक्लूजन में इस तरह लिख सकता हूं कि ए वैक्टर ए मैग्नीच्यूड इंटू ए यूनिट वैक्टर मैं इस तरह इसको लिख सकता हूं ये ए का मैग्नीच्यूड ये उसका यूनिट वैक्टर ठीक है मैग्नीच्यूड और यूनिट वैक्टर यूनिट वैक्टर डायरेक्शन वो आपको ए वेक्टर देगा ठीक है तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास हो गया ठीक है अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है पोजीशन वेक्टर ये मेरे ख्याल में सिक्स नंबर पे हो गए पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर व्हिच लोकेट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू Origin, ठीक है मैं इस तरह भी लिख सकता हूं दिस इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम origin ऑफ coordinate सिस्टम यह हमेशा origin से हम ड्रा करते हैं दिस इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द of ऑफ coordinate सिस्टम ये आपके पास x, ये आपके पास y, ठीक है अगर मैं पोजीशन वेक्टर को ड्रा करूँ दिस इज आर वैक्टर दिस इज पॉइंट पी और ये उसके कोर्डिनेट्स ठीक है तो आर आपके पास पोजिशन वैक्टर को रिप्रेजेंट करता है ठीक है और आर को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ठीक है और इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज एक्स आई यूनिट वैक्टर प्लस वाई जे यूनिट वैक्टर तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑरिजिन रहा है ठीक है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं इन थ्री डी अगर थ्री डी में हो तो आर आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ठीक है ये आपके पास थ्री में है पोजीशन वेक्टर तो मैं यहां पर अगर आपसे पूछो कि एक मॉस्कीटो है अगर मैं एक एमसीक्यू बना लो मॉस्कीटो इज फ्लाइंग इन अ रूम हुज कोऑर्डिनेट्स whose coordinates are 1, 2, 3 meter from some corner of room from some corner of room then position vector then position vector of mosquito mosquito will be dish take a use key coordinates X, y, z. ठीक है तो मैं लिख लूंगा आई यूनिट वैक्टर प्लस टू जे प्लस थ्री के बी ऑप्शन आपके पास जो है थ्री आई प्लस टू जे प्लस के सी ऑप्शन आपके पास वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स आई जे के और डी ऑप्शन में लिख लो ऑफ दिस ठीक है तो आपके पास आंसर क्या होगा तो आप ये देख ले x ये आपके पास x ये y ये जेड इसके कोऑर्डिनेट्स है ठीक है तो वट विल बी द करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज इज द आंसर क्यों क्योंकि इसके साथ यूनिट है मीटर यहां पर तो आपको ये नजर आएगा लेकिन इसके साथ यूनिट नहीं है ठीक है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसको सेलेक्ट करेंगे कि दिस इज करेक्ट ये करेक्ट नहीं है क्यों इसके साथ मीटर यूनिट है लेकिन यहां पर मीटर नहीं है इसका आंसर आपके पास ये होगा आई प्लस टू जय प्लस थ्री के और ये आपके पास मीटर तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि आपके पास नहीं ऑप्शन में तो नन ऑफ दीज इज ठीक है मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं वन मीटर आई प्लस टू मीटर जे प्लस थ्री मीटर के इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं तो ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है और इन दोनों में एक भी नहीं ऑप्शन में तो नन ऑफ दीज इज answer, अगर मैं आपसे पूछू वट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द मॉस्कटो फ्रॉम दिस कॉर्नर ठीक है इस मॉस्कीटो का डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम दिस कार्नर तो इसका मैग्निट्यूड मालूम करें वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अंडर द रूट तो थ्री स्क्वायर नाइन टू स्क् प्लस फोर थर्टीन थर्टीन प्लस वन अंडर रूट फोरटीन मीटर डिस्टेंस होगा इस मॉस्किटो का इस कार्नर से अगर मैं आपसे पूछू पोजिशन वैक्टर क्या होगा तो ये अगर मैं आपसे पूछू हाउ फार द मॉस्किटो फ्रॉम द ऑरिजन वर्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द मॉस्किटो फ्रॉम दरिजन इसका मतलब ये आपसे डिस्टेंस मांगा गया है ठीक है और डिस्टेंस के लिए आप इसका मैग्निच्यूड मालूम करेंगे अंडर द रोड ये आपके पास डिस्टेंस या हाउ फॉर द मॉस्किटो फ्रॉम दरिजन आपके पास बन जाएगा सो दीज आर सम इंपोर्टेंट वैक्टर्स ठीक है आप इसको जहन में बैठा दे बाकी इसके बाद में क्या करवाऊंगा